अब देखिए, जैसे एक ये यूनिट सेल, कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल होती है, क्यूब होता है, इसमें आठ कोनों की संख्या आठ होती है, कोनों की कुल संख्या, कॉर्नर की कुल संख्या आठ होती है, और जो इस पर ये कण प्रेजेंट हैं, कण लगे, जो इस कोने पर कण उपस्थित हैं, ये एक कण, प्रत्येक कण, ये प्रत्येक कण, ये प्रत्येक कण अन्य आठ सेलों में, आठ यूनिट सेलों में और सहभाजित होता है। यह प्रत्येक कण अन्य आठ यूनिट सेलों में, चार ऊपर यूनिट सेल, चार नीचे यूनिट सेल में सहभाजित होता है, मतलब कॉमन होता है। इसलिए प्रत्येक कण का हिस्सा, प्रत्येक कण का हिस्सा या सहभाजन, क्या बोल सकते हैं इसे, सहभाजन कितने में कॉमन है, कितने में सहभाजित हो रहा है, आठ में, इसलिए एक बटे आठ होता है प्रत्येक कण का हिस्सा। एक यूनिट सेल में जो कोने पर जो अवयवी कण होता है, कॉर्नर में जो अवयवी कण होता है, उसका प्रत्येक यूनिट सेल में उसका हिस्सा, उसका सहभाजन कितना होता है, आठवां अंश होता है, मतलब 1/8 होता है। अब फर्स्ट, जो काय केंद्र में अवयवी कण होता है वो अन्य यूनिट सेलों में सहभाजित नहीं होता है, अतः काय केंद्र में कुल कितने कण होते हैं, काय केंद्र में कुल कण बराबर होता है एक, और प्रत्येक कण का हिस्सा एक यूनिट सेल में, प्रत्येक कण का हिस्सा होता है 100%, मतलब वन, 1/1, मतलब वन। कुल फलक केंद्र, कुल फलक केंद्र कितने होते हैं, 6। अब ये प्रत्येक फलक केंद्र पर जो अवयवी कण है दो यूनिट सेल में सहभाजित होता है, अतः प्रत्येक कण का हिस्सा या सहभाजन किसमें, यूनिट सेल में, कितना एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा होगा, वो होगा 1/2। अतः प्रत्येक यूनिट सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या की गणना के लिए ये तथ्य हमें ध्यान में रखने होंगे। कुल कोने कितने हैं, आठ, कोने पर अवयवी कण कितने हो सकते हैं, आठ, प्रत्येक कण का हिस्सा कितना है, सहभाजन कितना है, 1/8, ठीक है। काय केंद्र में कुल कण कितना है, एक, और उसका हिस्सा कितना है, 100%, काय केंद्र एक ही होता है, इसलिए उसका हिस्सा क्या, सहभाजन कितना माना जाएगा, एक। कुल फलक केंद्र कितने होते हैं, 6, अतः कुल फलक केंद्रों में अवयवी कण कितने हो सकते हैं, 6। प्रत्येक कण का हिस्सा कितना माना जाएगा, 1/2, क्योंकि ये दो, प्रत्येक अवयवी कण दो यूनिट सेल के साथ सहभाजित होता है। अब देखते हैं प्रत्येक यूनिट सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या की गणना किस प्रकार करते हैं। फर्स्ट, ये देखिए, आप ये यूनिट सेल देख रहे हैं, इसमें देखिए, इस प्रकार की यूनिट सेल में सिर्फ कोनों पर अवयवी कण है, देखिए कोने पर अवयवी कण है, लेकिन काय केंद्र में नहीं है और फलकों के केंद्र में भी नहीं है। इसका मतलब ये किस प्रकार की यूनिट सेल है, ऐसी यूनिट सेल, मतलब सरल या आध कोष्ठिका, आध कोष्ठिका, ऐसी यूनिट सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या बराबर। देखिए कितने कॉर्नर, कितने कोने पर कितने कण, कोने कितने कोनों पर कण है, कितने कॉर्नर पर कण है, आठ, तो मतलब कॉर्नर, कोने पर कण मल्टीप्लाई एक कण का सहभाजन या हिस्सा,
मल्टीप्लाई प्रत्येक कण का हिस्सा या सहभाजन। अतः कणों की संख्या बराबर कोने पर कण कितने हो सकते हैं? 8। एक कण का हिस्सा कितना है? 1/8। तो देखिए बराबर 1। अतः यूनिट एससी यूनिट सेल में, अतः एससी यूनिट सेल में, यूनिट सेल में कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण बराबर होगा 1। यूनिट सेल है यदि या तो इसके काय के केंद्र पर हो या फलकों के केंद्र पर हो, मतलब फलकों के केंद्र पर या काय के केंद्र पर यदि अवयवी कण कोनों के अलावा प्रेजेंट होते हैं तो इस यूनिट सेल को कहते हैं केंद्रित घनीय यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल 3 प्रकार की होती है। देखिए फर्स्ट, इसमें सभी कोनों पर अवयवी कण है, देखिए सभी 8 कोनों पर अवयवी कण है, और यदि यह काय का केंद्र है, इस काय के केंद्र में भी अवयवी कण प्रेजेंट हो तो यह बन गई काय केंद्रित, काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल। इंग्लिश में बोलेंगे बीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या बराबर, ये की फॉर्मूला जा, कोने पर कितने कोनों पर कण हैं, कोने पर कण, कोने पर कण मल्टीप्लाई प्रत्येक कण का हिस्सा एक तो ये आ गया, ठीक है, प्लस सेकंड, देखिए ये तो ये हो गया, सेकंड क्या है, काय के केंद्र में भी अवयवी कण है तो काय केंद्र में पर अवयवी कण, मल्टीप्लाई कण का हिस्सा। तो देखिए अतः कुल अवयवी कणों की संख्या बराबर कोने पर कण कितने, 8, इसका हिस्सा कितना होता है 1/8, प्लस काय केंद्र पर अवयवी कण कितने 1, काय केंद्र पर अवयवी कण कितने 1, इसका हिस्सा कितना होता है 1, इसलिए मल्टीप्लाई 100% हिस्सा होता है। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया 1+1=2, मतलब 2 अवयवी कण होते हैं। अतः बीसी यूनिट सेल, अतः बीसी यूनिट सेल में कुल अवयवी कण कितने हैं 2, कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या 2 है। अब आता है नेक्स्ट, इस यूनिट सेल में घन के सभी कोनों पर अवयवी कण हैं और इसके अतिरिक्त ये फलक के केंद्र, फलकों के सभी केंद्रों पर होता है, 6 फलकों के केंद्र होते हैं, इन पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो देखिए अतः इस, तो इस यूनिट सेल का नाम क्या दे देंगे, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय यूनिट सेल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब एफसी यूनिट सेल। अब इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या गणना करने के लिए, कुल अवयवी कणों की संख्या, एफसी यूनिट सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या बराबर, ये की फार्मूला आ जाएगा, कोने पर कण इंटू प्रत्येक कण का हिस्सा, कोने पर कण इंटू
प्रत्येक कण का हिस्सा। प्लस अब फलकों के केंद्र पर हैं, तो फलक केंद्र पर कण इंटू प्रत्येक कण का हिस्सा। तो देखिए, ये अभी अपने सब में देख रहे हैं, कोने पर कण 8, एक कण का हिस्सा 1/8 प्लस फलक के केंद्र पर कुल फलक कितने हैं 6। प्रत्येक कण का हिस्सा कितना होता है, प्रत्येक कण का फलक के केंद्र पर जो कण होता है उसका हिस्सा कितना होता है 1/2 1/2 एक मल्टीप्लाई 1/2 तो इक्वल टू 1 प्लस 3 मतलब 1 + 3 इक्वल टू 4 मतलब 4 कण आ जाएंगे। एफ सी यूनिट सेल में कुल कितने कण हैं, 4 कण हैं कुल अवयवी कणों की संख्या। एफ सी यूनिट सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या बराबर 4। नेक्स्ट ये देखिए लास्ट यूनिट सेल, इसमें सभी कोने पर अवयवी कण हैं, अब काय केंद्र पर भी अवयवी कण नहीं है, फलकों के सभी केंद्र पर भी अवयवी कण नहीं है, सिर्फ किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर, लेकिन वो फलक के केंद्र आमने सामने होने चाहिए, या तो यहां पर प्रेजेंट हो या यहां पर प्रेजेंट हो, यहां पर माना कि ये यहां प्रेजेंट है, सिर्फ किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित हैं, इसलिए इस यूनिट सेल का क्या नाम देंगे, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका या यूनिट सेल। इंग्लिश में बोलेंगे इसे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ईसी यूनिट सेल। इसमें अवयवी कणों की संख्या की गणना कैसे करेंगे, ईसी यूनिट सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या बराबर वही कोने वाला फार्मूला आ जाएगा, कोने पर कण प्रत्येक कण का हिस्सा प्लस फलक केंद्र पर कण इंटू प्रत्येक कण का हिस्सा। देखिए कोने पर कण 8 हिस्सा 1/8 प्लस फलक केंद्र 6 फलक केंद्र है, लेकिन इस प्रकार की यूनिट सेल में सिर्फ दो फलकों के केंद्र पर ही अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं, तो 2 इंटू फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण होता है उसका कितना हिस्सा होता है, कितना सहभाजन होता है 1/2 तो 1/2 बराबर 1+1 इक्वल टू 2। अतः कुल ईसी यूनिट सेल में कुल 2 कण होते हैं, ईसी यूनिट सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या बराबर 2। देखिए ऐसी यूनिट सेल में कुल अवयवी कण कितने हैं 1, बीसी यूनिट सेल काय केंद्रित बीसी यूनिट सेल में कुल अवयवी कण कितने 2, एफसी यूनिट सेल में कुल अवयवी कण कितने 4, ईसी यूनिट सेल में कुल अवयवी कण कितने हैं 2। यूनिट सेल और कुल अवयवी कण फर्स्ट एससी यूनिट सेल कुल अवयवी कण कितना है 1, बीसी यूनिट सेल कुल अवयवी कण कितने 2, एफसी यूनिट सेल कुल अवयवी कण कितने हैं 4,
इसी यूनिट सेल कुल अभिव्यंजन कितने हैं? दो। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलों में निविड संकुलन एवं निविड संकुलित संरचनाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर।